दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल उत्तराखंडी पहाड़ी पर। दोस्तों आज अभी सुबह का टाइम है और मौसम की हालत तो मैं आपको क्या ही बताऊं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां के मौसम पर ले चलती हूं कि आज यहां का मौसम कैसा है, फिर आगे बात करेंगे। दोस्तों ये है आज का मौसम। कल रात से लगातार यहाँ पे बारिश ही हो रही है और मौसम विभाग का रेड अलर्ट यहाँ पे घोषित किया गया है। अभी तो बारिश थोड़ा कम है लेकिन कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। मार्केट अभी पूरा बंद है क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि ठंड के मारे लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है यहाँ पर। दोस्तों मौसम की हालत मैंने आपको दिखा दिए हैं। अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि मौसम विभाग की जो जानकारी है उसके मुताबिक 3 दिन तक मौसम यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। और जैसे कि केदारनाथ का सीज़न अभी शुरू हुआ है और यात्री लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आ रहे हैं। जब से ये ई पास ख़त्म हुआ है तब से काफ़ी भीड़ है और रास्तों में जाम लगा हुआ है। तो मौसम को देख के तो अब अगर आप लोग देख रहे हैं, बाहर के लोग देख रहे हैं और अगर वो यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि कृपया 2-3 दिन आप ना ही आए तो बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की एक और नई डिजी और उसके निवारण के बारे में। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बात करने वाली हूँ वो है सिर्फ फीमेल के लिए, उसमें लड़कियाँ और औरत दोनों के लिए है क्योंकि ये कॉमन है, हर किसी को होता है। जो मैं बात करने वाली हूँ ये है ल्यूकेरिया के बारे में। तो अमूमन जो फीमेल है लड़कियों को भी होता है और महिलाओं को तो होता ही है। जैसे ज़्यादातर आजकल केसेस आ रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन जो सर्किल है वो डिसबैलेंस हो जाता है। किसी को पीरियड्स महीने में 2 बार आते हैं तो किसी को 2 महीने में 1 बार आता है, तो किसी को मतलब ल्यूकेरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं उसको, वो किसी को बहुत ज़्यादा होता है। और जो यूरिन इन्फेक्शन है और ये चीज़ें बहुत सारी आजकल कॉमन हो रही हैं सभी के लिए। तो इसी के बारे में आज आप लोगों से बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो भी यूटेरिन इन्फेक्शन होता है हमारा, जो हमारे मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है, तो उसको बैलेंस कैसे करना है। बहुत सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है और मतलब इस प्रॉब्लम से शरीर के पूरा शरीर ही मतलब शरीर का क्षीण होता है कि लड़कियां कम की उम्र में भी ज़्यादा की लगने लगती हैं। जैसे अगर हमें ल्यूकेरिया है या हमारा मेंस्ट्रुएशन बैलेंस नहीं है, टाइम पे नहीं आता है या कभी ज़्यादा आता है तो उससे हमारा शरीर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है और हमारी आँखों के नीचे मतलब ये ब्लैक सर्कल दिखने लगते हैं, चेहरे पे झाइयाँ लगती हैं और 20 की साल में भी हम 40 के लगने लगते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे कि बहुत सारी लड़कियाँ इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी मतलब टॉनिक यूज करते हैं, बहुत सारी हैं जैसे कि हेम पुष्पा वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं कि लोग लेते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उन चीज़ों का क्योंकि जब रिजल्ट अच्छा रहता है तभी तो लोग लेते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस और मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आपको महीने में अपना मेंस्ट्रुएशन लेवल पे लाना है, आपको ल्यूकेरिया को बैलेंस करना है, जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसे बैलेंस करना है, अगर आपको थोड़ा सा हो रहा है तो वो नॉर्मल है क्योंकि वो नेचुरल है, उसे होना ही चाहिए क्योंकि वो हमारे वजाइना को क्लीन रखता है। लेकिन आपको वाइट डिस्चार्ज 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है तो वो एबनॉर्मल है, उसे आपको ठीक करने की ज़रूरत है।
अगर वो टाइम पे ठीक नहीं होता है तो हमारा शरीर अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। दोस्तों, हमें बाहर से यंग और खूबसूरत दिखने के लिए हमारा अंदर से स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी औरत अंदर से बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको मतलब ये जो वजाइनल इन्फेक्शन है, मेंस्ट्रुएशन का टाइम पे है, आ रहा है, अंदर से पूरा स्वस्थ है, तो बाहर से भी लड़कियां बिल्कुल फिट दिखती हैं। तो ऐसे ही हमेशा फिट दिखने के लिए आप लोग अगर कोई भी टॉनिक अभी तक यूज़ नहीं करते हैं या कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है, तो मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहूँगी कि सी केयर बहुत अच्छा रिजल्ट इसका है। जितने भी लोगों को मैंने अभी तक इसको दिया है, उन पर भी काफ़ी अच्छा इसका असर हुआ है और खुद मैंने भी इसे यूज़ किया है। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छी है। इसमें सारे कंटेंट आयुर्वेदिक हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी थोड़ा बहुत इसमें क्या क्या है। तो अशोका इसमें है, लोध इसमें है, अश्वगंधा है, शतावरी है, अजवाइन है, आंवला है, अजमोल है, अमलतास है, दाई के फूल हैं, और अबरक भस्म है, लौह भस्म है, गोदंती भस्म है। इन सारे आयुर्वेदिक कंटेंट से मिलकर इसको बनाया गया है और बहुत ही अच्छी है। टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं भी इसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों में से किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ देर मत कीजिए। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी आगे, तो हमारी जो बच्चेदानी होती है इस पर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो अगर थोड़ा बहुत आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो टाइम पे आपको उसका इलाज करना चाहिए। तो प्लीज़ देर मत कीजिए। अगर आपके साथ भी ये सारी प्रॉब्लम है, तो एक बार तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। और अपनी तरफ से आप कोई टॉनिक यूज़ कर रहे हैं तो कृपया ये लीजिए, ये मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो जो मुझे बताना था मैंने बताया है कि मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत बेस्ट है। आगे आपकी मर्ज़ी कि आपको क्या चीज़ पसंद है और आपके शरीर पर कौन सी मेडिसिन मतलब काम करती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको यही लेनी है, लेकिन आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। वजाइना में इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो हमारा यूट्रस है वो इन्फेक्टिव जब ज़्यादा होता है तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आपको अवेयर रहना है। और आज की वीडियो बस इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब ब्लॉग तो फ़िलहाल नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो घर पे रहने का टाइम ही नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेते आऊँगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों तक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।